Co-powered by Techno. और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से पेजो मोबाइल F-35 ऑपरेशन अकील, ये क्या है ऑपरेशन अकील? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। पिछले 100 घंटे से इसराइल का लेबनान में नॉनस्टॉप अटैक जारी है। IDF हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने में जुटी हुई है। पेजो वॉकी टॉकी के बाद अब इसराइल ने बेरूत के चप्पे चप्पे पर बारूद बरसा दिया है, जिसमें नसरल्ला का सबसे भरोसेमंद कमांडर का खात्मा हो गया। नेतन्याहू ने नसरल्ला के खात्मे तक जंग का प्रण लिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बेरूत में हमले के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। आर्मी डे परेड में दिखाए विध्वंसक हथियार, नए मिसाइल और शाहिद ड्रोन दिखाए गए। इसराइल से तनाव के बीच यह हथियारों की परेड है, उसे निकाला गया। में शामिल है ये वॉर ड्रिल में। ईरान के समंदर में भी एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वॉरशिप शामिल है, पनडुब्बी एक्सरसाइजेस शामिल है। इसराइल में विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पेंटागन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों को लेबनान तुरंत छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस बीच इसराइल ने उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जो गाजा में हुआ वो लेबनान में होने जा रहा है। जैसे हमास लड़ाकों को रौंदा, वैसे हिजबुल्ला लड़ाकों का सफाया करेगा इसराइल। बस कुछ घंटे बाद लेबनान में इसराइल का ऑपरेशन गाजा शुरू हो सकता है। क्योंकि इसराइल इस दफा पिछली साल 7 अक्टूबर जैसे हमले का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके लिए इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी बॉर्डर पर हैवी वेपन आर्टिलरी लगा दी है। गाजा से IDF सैनिकों की कई टुकड़ियां उत्तरी बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। ये उसी की तस्वीर है जिसमें मिलिट्री और आर्मर व्हीकल को वहां पहुंचाया जा रहा है। इतना भारी डिप्लॉयमेंट पिछले एक साल में अभी तक नहीं हुआ। हालांकि गाजा में जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ था तब भी इसी तरह का हाल था, लेकिन अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इसराइल ने ठीक वैसे ही रणनीति अपनाई है। इसराइल को इस बात का अंदेशा है कि हिजबुल्ला कभी भी बौखलाकर उस पर बड़ा हमला कर सकता है और उसकी इंटेंसिटी अब तक किए गए हमलों से कहीं ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्ला ने गोलन हाइट्स पर 600 से ज्यादा रॉकेट दागकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि अभी हिजबुल्ला की हिम्मत उत्तरी बॉर्डर पर हमले की नहीं हो रही। क्योंकि हिजबुल्ला को पता है कि इसराइल की इतनी भारी तैयारी के बीच वो उत्तरी बॉर्डर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उसने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिससे इसराइल को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़ा जख्म दिया जा सके। इसके लिए 1000 कमांडो हमास ने भेजे हैं, साथ ही मोटराइज्ड पैराट्रूपर्स की एक टीम भी लेबनान पहुंच चुकी है। अब उसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, यह सिर्फ नसरल्ला को पता है। ईरान ने भी हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है।
जैसे ही हिजबुल्ला हमला शुरू करता है, अगर इसराइल ने पलटवार किया तो ईरान भी युद्ध में उतर सकता है। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है, इसराइल के पास सिर्फ युद्ध ही इकलौता विकल्प है, क्योंकि उत्तरी बॉर्डर पर हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने अपने लड़ाके बॉर्डर के पास भेज दिए हैं, साथ ही रॉकेट और मिसाइल का स्टॉक उसे ईरान से मिल रहा है। स्थिति बेहद गंभीर है, ये जानते हुए बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद हेडक्वार्टर पहुंच गए। वॉर एक्सपेंशन पर प्लान बनाया गया, इस दौरान रक्षा मंत्री योव गैलन भी साथ थे। उन्होंने कहा, उत्तरी बॉर्डर पर रिस्क कितना भी बड़ा हो, इजरायली सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैयार है। कई देशों को भी बड़े युद्ध की आशंका है, इसलिए ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पूरे अरब में हालात खौफनाक बताए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब लेबनान युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। गो पावर्ड बाय टेक्नो।